Hey guys, welcome back to our channel Bollywood Bustle. मैं विंध्या. आज की टॉप खबरें सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. बन टिक्की की पहली झलक. दोस्तों, पिछले हफ्ते मनीष मल्होत्रा ने अपने प्रोडक्शन हाउस की आने वाली फिल्म बन टिक्की का अनाउंसमेंट किया था और अब उसी मूवी के शूट से जीनत अमान ने एक पिक्चर पोस्ट की जो देखकर फैंस मूवी के लिए और एक्साइट हो गए. शिमला में शूट करती जीनत जी ने अपने कैरेक्टर के अवतार में एक पिक पोस्ट की और लिखा, हियर इज अ ग्लिम्स ऑफ द एलिगेंट सितारा जान, अ कैरेक्टर हु अमंगस्ट अदर थिंग्स रिकिंडल्ड माय लव फॉर सारीज. रणदीप हुडा और लिन शर्मा की शादी की पहली झलक. कल एक्टर रणदीप हुडा ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ उनकी शादी का इन्विटेशन शेयर किया जो कि 29 नवंबर को होने वाली है. कल रणदीप और उनकी होने वाली पत्नी लिन शर्मा को इम्फाल के हेनगैंग मंदिर में दर्शन करते हुए देखा गया. इसके बाद मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए रणदीप ने कहा, आई प्रे फॉर अ हैप्पी फ्यूचर, पीस फॉर मणिपुर एंड एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, अ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड मेनी मोर थिंग्स. कंतारा वन का टीजर हुआ रिलीज. रिलीज होते ही हलचल मचा दिया कंतारा वन के टीजर ने. टीजर में ऋषभ शेट्टी की नेवर सीन बिफोर लुक को देखकर ऑडियंस बहुत एक्साइट हो गई है. मूवी की आइकॉनिक रोल एंड म्यूजिक भी टीजर में सुनाई दे रही है और टीजर ने रिलीज होने के 20 घंटों में ही 9 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस कर लिए हैं. ऋषभ को इस नए अंदाज में देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं ये हमें कॉमेंट्स में लिख कर जरूर बताइएगा. ये सुपरस्टार भी है रणबीर कपूर के फैन. कल हैदराबाद में हुई एनिमल के प्रमोशन इवेंट को अटेंड किया एसएस राजामौली एंड महेश बाबू ने और इस इवेंट में महेश बाबू ने कहा कि वो रणबीर के एक्टिंग के फैन हैं और वो मानते हैं कि रणबीर कपूर इंडिया के बेस्ट एक्टर हैं. इसके अलावा इवेंट से एक और क्लिप भी वायरल हुई जहाँ रणबीर कपूर राजामौली सर से मिलते ही उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए नजर आए. ये था विक्की कौशल का रिएक्शन कटरीना के आइकॉनिक टावल फाइट सीक्वेंस पर. अपनी रीसेंट फिल्म टाइगर 3 में कटरीना एक सीन में टावल में फाइट करती हुई नजर आती है और जब उनके पति विक्की से उनके इस सीन पर रिएक्शन पूछा गया तो विक्की ने कहा, आई वेंट टू द स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म और जब मैंने ये सीन देखा तो मैंने कटरीना को कहा कि अब मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मारो. She is one of the best action heroines in Bollywood. I am really proud of the hard work she puts in. Animal और Sam Bahadur के clash पर ये है विक्की कौशल का reaction. विक्की कौशल की Sam Bahadur और रणबीर कपूर की Animal इस Friday को release होने वाली है और जब विक्की से पूछा गया कि क्या इस clash की वजह से movie की box office पर effect होगा तो उन्होंने cricket analogy use करके कहा, When two opening batsmen come to the crease playing for the same team, you won't say that the two batsmen are clashing with each other. They are playing for a single team. So, we are playing for Hindi cinema. Coffee with Karan के नए गेस्ट. Coffee with Karan के आने वाले एपिसोड का प्रोमो कल रिलीज हुआ और इस हफ्ते शो पर आने वाले हैं काजोल एंड रानी मुखर्जी. प्रोमो में रानी मुखर्जी कहते हुए नजर आई कि करण जौहर ने शूट पर उनसे खाना छीन लिया. तीनों अपनी आइकॉनिक फिल्म्स के बारे में नोक जोक के साथ डिस्कस करते हुए नजर आए और इनके आइकॉनिक फिल्म्स के बिहाइंड द सीन्स के बारे में और जानने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। एनिमल प्रमोशन इवेंट की बेस्ट मोमेंट. कल एनिमल के प्रमोशन इवेंट में कई आइकॉनिक मोमेंट्स थे लेकिन एक ऐसा मोमेंट था जिसने सबका दिल जीत लिया. कल से एक क्लिप वायरल हो रही है जहाँ रणबीर कपूर महेश बाबू को अपने फोन पर कुछ दिखाते नजर आए. नेटिजन्स का कहना है कि वो महेश को अपनी बेटी राहा की फोटो दिखा रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में प्रमोशंस के दौरान हमें रणबीर के फादरहुड की झलक देखने को मिली और हम उम्मीद करते हैं कि ये खुशी का सिलसिला उनकी जिंदगी में बरकरार रहे. सुहाना बनी फर्स्ट टाइम सिंगर. अपने सोशल मीडिया पर सुहाना खान ने रिसेंटली अनाउंस किया कि अपनी आने वाली फिल्म आर्चीज में वो फर्स्ट टाइम सिंगर बनी. उन्होंने मूवी के गाने जब तुम ना थे को अपनी आवाज दी. कल सॉन्ग के रिलीज पर सुहाना ने अपने सोशल मीडिया पर सबसे निवेदन किया कि वो गाना सुने. आपको गाना कैसा लगा ये हमें कॉमेंट्स में लिख कर जरूर बताइएगा. इस मूवी ने आज कम्प्लीट किए 20 साल.
आइकॉनिक मूवी कल होना हो के रिलीज को आज कंप्लीट हुए 20 साल और इसी के चलते धर्मा प्रोडक्शंस के अकाउंट पर मूवी के कई आइकॉनिक डायलॉग्स एंड सीन्स पोस्ट किए गए। अब राइटर करण जौहर इस स्पेशल ओकेशन पर क्या करते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तब तक आप कल होना हो के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता कीजिए अपने स्क्रीन में दिख रहे लिंक को टैप करके। डंकी मूवी में हो रहे हैं फाइनल चेंजेस। डंकी मूवी के रिलीज के पहले कल एक्टर शाहरुख खान एंड डायरेक्टर राजकुमार हिरानी दिखे डबिंग स्टूडियो के बाहर। शाहरुख एक डैशिंग ऑल ब्लैक लुक में छाता पकड़ के स्टूडियो से बाहर निकलते हुए दिखे। ये लुक लोगों को बहुत पसंद आया और पिक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब क्या ये डबिंग मूवी के लिए था या फिर आने वाले किसी प्रमोशन के लिए ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। विकी कैटरीना ने ऐसे सेलिब्रेट की अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी। कल एक्टर विकी कौशल ने इंस्टाग्राम पर Q&A किया और जब एक फैन ने उनके पिछले एनिवर्सरी के सेलिब्रेशंस के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले साल उनकी एनिवर्सरी पर विकी कैटरीना ऊटी में थे जहां विकी सैम बहादुर की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उन दोनों ने ऊटी में मैगी और रोड साइड भुट्टा खाते हुए टी गार्डन्स का व्यू एंजॉय करके अपना पहला एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। ये कपल होने वाला है कॉफी विद करण के लास्ट एपिसोड पर। सोर्सेस की माने तो आमिर खान और उनकी एक्स वाइफ किरण राव कॉफी विद करण के इस सीजन के लास्ट एपिसोड में नजर आने वाले हैं। उन्होंने रिसेंटली YRF स्टूडियोज में शूट रैप किया और ये उनका इस शो पर एक साथ दूसरा अपीयरेंस होगा। हालांकि पिछली बार वो मैरिड थे लेकिन डिवोर्स के बाद भी दोनों अच्छे टर्म्स पर रहे हैं और उनको साथ देखना इंटरेस्टिंग होगा। जरा हटके जरा बचके की फाइनली होने वाली है OTT रिलीज। जी हाँ दोस्तों, विक्की कौशल एंड सारा अली खान स्टारर जरा हटके जरा बचके फाइनली अपनी थिएट्रिकल रिलीज के 7 महीने बाद OTT पर रिलीज होने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार मूवी 2 दिसंबर को जियो सिनेमा पर रिलीज होगी। क्या पुष्पा 2 रिलीज होने वाली है इस दिन? पिछले 2 साल से सभी पुष्पा 2 द रूल के इंतजार में है और अब इसी के चलते कुछ न्यूज सामने आई है। कहा जा रहा है कि पुष्पा 2 आने वाले साल में इंडिपेंडेंस डे के दिन रिलीज होने वाला है। सोर्सेस की माने तो मैत्री मूवी मेकर्स ने मूवी के OTT राइट्स ऑलरेडी नेटफ्लिक्स को बेच दिए हैं एंड मूवी अगले साल रिलीज होने के लिए ऑल रेडी है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।